जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मैं रास्ते में देख रहा था कि बहुत कारखाने, तब एक बात याद आ गई कि इतने कारखाने हैं, अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, एक कोई कारखाना मैं देखना चाहता हूँ वह है या नहीं, वह मुझे दिखाई नहीं। आचार्य तुलसी बिहार बंगाल की यात्रा कर रहे थे, हम पटना पहुँचे। पटना यूनिवर्सिटी में आचार्य वर का स्वागत का आयोजन, उस समय वहाँ राज्यपाल थे जाकिर हुसैन, रामधारी सिंह आदि आदि काफ़ी वहाँ के प्रमुख व्यक्ति स्वागत में थे। जाकिर हुसैन ने जो एक बात कही वह बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक युग के पुरोधा हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और बहुत बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, कई कारखानों बड़े कारखानों के नाम उन्होंने गिनाए, पर मानव बनाने का कारखाना कोई नहीं। आचार्य श्री आप ने अणुव्रत का कार्य शुरू कर और मानव बनाने का कारखाना निर्मित किया है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता। जाकिर हुसैन की ये बात आज भी मुझे याद है और मैं देख रहा था मैं कि मानव निर्माण का कारखाना कौन सा है, अनेक वस्तुएं बन रही है, पदार्थ हावी हो गया और चेतन नीचे दब गया। आज की समस्या को हम दो पंक्तियों में समझने का प्रयत्न करें तो यह स्वीकारोक्ति करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मानव और चेतन यह तो नीचे चला गया और पदार्थ सिर पर आ गया, शिखर पर चला गया, मानव नीचे रह गया। सबसे बड़ी समस्या है पदार्थ की उपयोगिता को हम अस्वीकार न करें, उसके बिना जीवन नहीं चलता, पर पदार्थ पैरों के नीचे रहे और चेतन ऊपर रहे, समाज शांति से जीता है और अच्छा चलता है। और जब पदार्थ ऊपर आ जाता है और चेतना नीचे चली जाती है तब इतनी समस्याएं पैदा होती है, उनमें हिंसा की सबसे बड़ी समस्या है। हिंसा की समस्या का मूल भी हम गहन चिंतन करें तो पता चलेगा कि यह पदार्थ का हावी होना ही हिंसा की समस्या है। भूमि, सत्ता, अधिकार और पैसा, ये सब पदार्थ के नाना रूप हैं, अगर ये नीचे रहे तो अशांति का कोई प्रश्न ही नहीं होता, कलह और संघर्ष का प्रश्न नहीं होता, सब इन चार वस्तुओं की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे करें, खोज कर मुश्किल है, समस्या एक छोटा सा व्यंग बड़ा मार्मिक इस विषय में प्रकाश डाल रहा है। एक व्यक्ति अविवाहित था, उससे किसी ने पूछा कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया, कि मैं आदर्श पत्नी की खोज में हूं। कोई मिली क्या, एक मिली थी तो फिर कर लेना था, कि वह आदर्श पति की खोज में थी।
दोनों ओर से आप देखिए, कोई आदर्श पत्नी को खोज रहा है, कोई आदर्श पति को खोज रहा है, विवाह संबंध नहीं हो रहा है। हमारी समस्या, पदार्थ जगत की ये समस्या है कि कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, कोई किसी को खोज रहा है, कोई किसी को खोज रहा है। व्यवहार के धरातल पर हम अपने पैर टिका सकें और व्यवहार की धरती पर चल सकें, ऐसे आदर्श की, व्यवहार की खोज हमें करनी है। मेरा चिंतन है कि उसके लिए एक नया रास्ता अपनाना होगा। रास्ते की खोज हमारे विचारों का, चिंतन का खजाना है प्रकृति। एक पेड़ को देखता हूं तो भी नया चिंतन आ जाता है, एक रसकण को देखते तो भी नया चिंतन आ सकता है, और एक राजपथ को देखते तो भी आ सकता है। मन में एक चिंतन आया, राजपथ कितना विशाल, नेशनल हाईवे, और कितना विशाल इधर उधर, एक देखो तो ऐसा लगता है कि बहु मंजिला घर बनाने की कोई तैयारी, इतना विशाल राजपथ। प्रश्न हुआ क्यों, कि सुविधा हो जाए, संपर्क स्थापित हो जाए, यातायात की सुविधा हो। तो फिर प्रश्न आया कि राजपथ इतना बड़ा जरूरी है तो क्या जीवन का पथ जरूरी नहीं है? हमने जीवन का पथ इतना बड़ा कहां बनाया? जीवन का पथ तो बहुत संकरा होता जा रहा है। जीवन का पथ है अहिंसा, करुणा, मैत्री, वह तो सिकुड़ रहा है। और जो हमारी चलने का पथ है, वाहनों का पथ है, वाहनों का पथ तो विशाल हो रहा है, और जीवन का पथ संकुचित और सिकुड़ रहा है। दोनों में संगति नहीं है। अगर राजपथ विशाल बने तो उसके साथ साथ जीवन का पथ भी इतना विशाल बने कि उसमें सब समा जाए। हमारी समस्या है, सिकुड़ रहा है। एक आदमी जा रहा था, वर्षा का मौसम, वर्षा आगे भींगने लगा, एक बड़ा प्रासाद देखा, सोचा कि कुछ देर के लिए विश्राम कर लूं। भीतर घुसने लगा तो प्रहरी ने, संतरी ने रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो? अरे भैया वर्षा आ रही है, 5 मिनट विश्राम कर लूं, कि भीतर नहीं जा सकते, यह प्रासाद है, यह कोई धर्मशाला नहीं है, तुम भीतर नहीं जा सकते। रोक दिया, बेचारा आगे चला, थोड़ी दूर गया, एक झोंपड़ी आई। झोंपड़ी में, छोटी सी झोंपड़ी, चार आदमी तो पहले बैठे थे, बस चार से आगे कोई अवकाश नहीं था बैठने का। वहां गया और बोला, भैया थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूं, आ जाओ भीतर आ जाओ। चार की जगह 5 हो गए, सिकुड़ गए और 5 हो गए। ये वृत्ति का जो अंतर है, एक जहां जहां एक बड़प्पन या सत्ता या अधिकार या पदार्थ हावी होता है, वहां चेतना सिकुड़ जाती है, और जहां हृदय है, करुणा है, वहां चेतना का विस्तार होता है। उमा स्वाति ने तत्वा सूत्र में लिखा, संकोच विसर्ग, संकोच और विकोच। आत्म प्रदेशों का संकोच भी होता है, विकोच भी होता है। हमारी चेतना का विस्तार भी होता है और चेतना का संकोच भी होता है। आज की समस्या यह है कि पदार्थ का आयाम विस्तार पा रहा है और चेतना का आयाम संकोच पा रहा है, संकुचित हो रहा है। हमें इस विपर्य को बदलने है। बदले बिना हम न अहिंसा की कल्पना कर सकते, न शांति की कल्पना कर सकते। अगर हमारी अभिमुखता पदार्थ की ओर है तो फिर अहिंसा, मैत्री, करुणा, शांति, समझौता जैसे शब्दों को समाप्त कर देना चाहिए। और अगर हमारी अभिमुखता चेतना की ओर है तो इन सब का विकास होगा और समाज बहुत अच्छा होगा। यह सब कैसे हो सकता है, इस पर हमें विचार करना है। केवल शब्दों के सहारे, और मैं तो यह भी मानता हूं कि केवल विचारों के सहारे
हम मंजिल तक पहुंच सके मुझे कठिन लगता है। हमारी दृष्टि में और अनेक वर्षों, 3 दशक 4 दशक 5 दशक हो गए, आचार्य तुलसी ने और मैं भी साथ था, इस विषय में काफी ध्यान दिया, चिंतन मनन किया, मंथन किया, अन्वेषण किया, शोध की, आखिर निष्कर्ष पहुंचे कि चेतना का रूपांतरण किए बिना समस्या का समाधान नहीं है और चेतना का रूपांतरण प्रयोग के बिना संभव नहीं, अभ्यास के बिना संभव नहीं है। केवल उपदेश से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। उपदेश का मंच है, मैं भी बोल रहा हूं, पर आपको बता दूं कि मैं स्वयं इस बात का अनुभव भी कर रहा हूं कि मैं जो कहूंगा उससे कोई परिवर्तन हो जाएगा ये मानो तो मेरी भ्रांति होगी। किसी वेदांती से पूछा कि सत्य क्या है, भ्रांति क्या है, उसने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं यह मेरी भ्रांति है, तुम नहीं मानोगे यह सत्य। आप विचार करें सत्य क्या है, भ्रांति क्या है, तो फिर कैसे हो सकता है? यह तो मात्र एक प्रेरणा है, प्रेरणा भी जरूरी है, प्रेरणा के लिए तो उपदेश है, प्रवचन है, मंच है, ये सारी बातें हैं, किंतु आखिर सच्चाई यह है कि परिवर्तन के लिए हमें एक प्रक्रिया को अपनाना, उसका अपना प्रोसेस है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया को अपनाना होगा। और आज के वैज्ञानिक युग में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत साफ हो गई। मैंने स्वयं हठ योग, योग, अध्यात्म के अनेक बड़े बड़े ग्रंथों का पारायण किया, मनन किया, ध्यान भी किया, पर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी, किंतु जब अध्यात्म के साथ विज्ञान का अध्ययन शुरू किया, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया, दोनों में मेल देखा, तो जो बातें हमारे पुराने ग्रंथों में व्याख्या साफ नहीं हो रही थी वे बातें बहुत साफ हो गई, क्लियर, एकदम बिल्कुल साफ हो गई। ज्ञान का विकास हो रहा है। यह न माने कि आज का युग कोई बहुत खराब है, मैं तो नहीं मानता, आज के युग में बड़ी अच्छाइयां है और ज्ञान का बहुत विकास हुआ है, इतनी नई नई बातें खोजी गई है। कल ही एक भाई ने, जो संस्कार चैनल के कार्यकर्ता है, उन्होंने दिखाया कि वीडियो में, छोटा सा वीडियो में एक छोटी सी पत्ति, उसमें कितने कितने चित्र आ जाते। मैंने कहा यह तो है ही, ध्यान का नियम था स्थूला सूक्ष्मम। ध्यान का अर्थ क्या, कि स्थूल पर मत अटको, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करो। धर्म का यही मतलब है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इंद्रिय चेतना से अतीन्द्रिय चेतना की ओर तुम्हारा प्रस्थान हो। और विज्ञान का यही प्रस्थान है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। कितना सूक्ष्म का विकास किया है, कितना, हाँ, नानी टेक्निक आ गई, नैनो टेक्निक का विकास हो रहा है, कितना सूक्ष्मता का विकास हो रहा है, हमें उस टेक्निक पर भी विचार करना है। धर्म के पास भी कोई एक टेक्निक होनी चाहिए। बड़ी समस्या है, एक और विज्ञान का जगत काम कर रहा है, वैज्ञानिक हजारों हजारों वैज्ञानिक पूरे विश्व में सत्य की खोज में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर हमारे धार्मिक लोग हैं ये मानकर बैठ गए कि सत्य की खोज तो हमारे पूर्वजों ने कर ली, वह कर ली, आज हमारे लिए कुछ भी बचा नहीं। अब भला कैसे हम इस युग के साथ चल पाएंगे, कैसे धर्म कोई अपनी महत्ता या प्रासंगिकता स्थापित कर पाएगा, हमें इस पर विचार करना है। तो विचार करें तो अहिंसा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, मकान की भी जरूरत, कपड़े की, दवा की, सब बातों की जरूरत है, पर सही अर्थ में देखें कि सबसे ज्यादा जरूरत है अहिंसा की। अहिंसा है तो आपको रोटी पानी भी मिल सकता है, हिंसा हिंसा हो जाए तो न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो सबसे जरूरी बात है अहिंसा। उसके लिए हमारा प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न बिल्कुल कमजोर है। अब प्रयत्न कहाँ है, हिंसा के लिए कितना प्रयत्न। अब बजट देखें, हिंदुस्तान का देखें, पाकिस्तान का देखें, चाहे और किसी भी राष्ट्र, अमेरिका का देखें, ब्रिटेन का देखें, आप देखेंगे कि शस्त्रों के लिए कितना बड़ा बजट और मानवता के निर्माण के लिए कितना बजट। तुलना करिए दोनों की। कहीं कहीं तो मानव विकास के लिए, मानव निर्माण के लिए कोई बजट है या नहीं मुझे पता नहीं है। अभी हम आ रहे थे और रास्ते में एक हॉस्पिटल आया, मेंटल हॉस्पिटल, मानस रोग चिकित्सा। यह हॉस्पिटलों से काम नहीं चलेगा, अब तो मेंटल हॉस्पिटल ज़्यादा बनाने जरूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि आज बीमारियां शरीर की ही नहीं है। आज के मेडिकल साइंस के नए निष्कर्षों के आधार पर आप देखेंगे कि 100 में शायद 60-70% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मानसिक रोगों की है, मने कायिक रोगों की बीमारियां है। वहाँ हॉस्पिटल काम नहीं करेगा, उसके लिए तो मेंटल हॉस्पिटल। और जिस समाज में मानसिक चिकित्सा केंद्र, जेल यानी पागलखाना, जेल ये ज़्यादा होते हैं, वह समाज हिंसा का समाज होता है। मानतो मानसिक रोग भी हिंसा का फलित है। अगर अहिंसा का भाव हो, हर स्थिति में आदमी शांति में रह सकता है और वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त कभी नहीं होता। प्रशिक्षण की जरूरत है। हमने अहिंसा यात्रा का क्रम शुरू किया, केवल मत मारो यहाँ तक हमारी बात सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क, एक विद्यार्थी का मस्तिष्क प्रारंभ से ही अहिंसा से सुसंस्कृत हो जाए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि एक सैनिक, एक पुलिस का सिपाही, एक सुरक्षा कर्मी, उसे भी अहिंसा का प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिए। जहाँ हिंसा का प्रशिक्षण तो मिलता है, उसके साथ साथ अहिंसा का प्रशिक्षण मिले तो फिर आपको अलग से मानवाधिकार आयोग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी और कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और व्यक्तिगत जीवन उनका अच्छा रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अहिंसा का प्रशिक्षण है, वह जितना अपने कार्य में दक्ष होगा, केवल हिंसा के प्रशिक्षण वाला उतना दक्ष नहीं हो सकता। अहिंसा का मूल आधार है अभय। अभय के बिना कुछ नहीं होता। कि भय के वातावरण में जीना, एक आदमी सोचता है कि अमुक जाति वाला है वहाँ मैं नहीं जा सकता, डरता है जाने से, दूसरा वहाँ जाने से डरता है, न समाज का विकास होता, न आर्थिक विकास होता और न और कोई अच्छा विकास हो सकता। सबसे बड़ी बात है अभय की चेतना का विकास। हमने ऐसे प्रयोग किए, हमारे पास बहुत डरे हुए लोग आते हैं, आए हैं, हमने प्रयोग किया अभय की अनुप्रेक्षा, एक प्रयोग है। हम कोरा उपदेश नहीं देते हैं, कोरे प्रवचनकार नहीं है हम। प्रवचन 50% प्रवचन है तो 50% हमारा प्रयोग, ज़्यादा प्रतिशत भी हो सकता है। हमने 10 दिन का प्रयोग किया शिविर में और देखा, पूछा तो घर वालों ने बताया 80% डरना तो बंद हो गया, थोड़ा बहुत और बाकी हो जाएगा। अभय की अनुप्रेक्षा, अभय की चेतना कैसे जागे, सबसे बड़ी जरूरत है अभय की चेतना का विकास करे। प्रशिक्षण का एक पहलू है प्रतिशोध और प्रतिकार का विवेक करना। प्रतिशोध, आपका कुछ किसी ने अनिष्ट कर दिया और आपने फिर से उसका बदला ले लिया, यह प्रतिशोध की बात है। और यह भगवान बुद्ध का वह वचन बड़ा सुंदर है, नहीं बेरेण बेराणी सम्मंथीद कदाचने। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, उसकी परंपरा चलती है। और इतिहास में मिलेगा, कहानियों में, व्याख्यानों में मिलेगा, बेटे को मार दिया, फिर उसके बेटे ने उसको मार दिया, फिर उसको मार दिया, पीढ़ियों तक बराबर यह क्रम चलता रहा है। बैर से बैर शांत नहीं होता, तो प्रतिशोध के स्थान पर प्रतिकार, इतना बढ़िया शब्द है प्रतिकार। महात्मा गांधी ने
जो अहिंसा का एक नया दर्शन दिया था, उसका मुख्य था प्रतिकार, यानी अभय और प्रतिकार, असहयोग, बुराई का सहयोग मत करो, हिंसा का सहयोग मत करो, हिंसा को सहारा मत दो। आचार्य तुलसी ने एक बार कलकत्ता की बड़ी सभा में प्रवचन करते हुए कहा था कि हिंसा लंगड़ी है, अपने पैरों से नहीं चल सकती, वह अहिंसा के कंधे पर बैठकर चलती है, उसको अहिंसा का वातावरण मिलता है तो हिंसा भी पनपती है, और अगर वह न मिले सहारा तो हिंसा चल नहीं सकती। हम हिंसा को सहारा न दें, केवल कारखाने नहीं, आदमी बनाने का कारखाना तैयार करना है तो मैं मानता हूँ अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य, जीवन विज्ञान का कार्य, ये मानवता के निर्माण का कार्य है, जहाँ से अच्छे व्यक्तित्वों का निर्माण होगा और जिससे समाज का भला होगा। इसलिए आप विचार करें, हिंदुस्तान का राजदूत चीन के सम्राट के पास गया, चंद्रगुप्त का जमाना होगा, यहाँ के सम्राट भी उस समय बड़े बड़े हुए, अशोक, चंद्रगुप्त, वहाँ गया, वहाँ से वापस आया। आप जानते हैं कि विरोधी विचार वाले या प्रतिक्रियात्मक विचार वाले, ईर्ष्या वाले लोग होते हैं, दूत आया, उससे पहले ही सम्राट के कान भर दिए कि इसने वहाँ जाकर आपकी बहुत हल्की बात की, और वहाँ उसकी तो बड़ाई की है, आपकी हल्की बात की है। अब सम्राट सम्राट होते हैं, थोड़ी भ्रिकुटी तन गई, आती ही देखा भ्रिकुटी तन गई, दूत समझ गया कुछ न कुछ हुआ है, बैठा, और सम्राट ने कहा कि तू गया था मेरा प्रतिनिधि बनकर, और मेरी एक उच्चता दिखाने के लिए तूने जाकर हल्की बात दिखाई है। उसने कहा सम्राट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कि तूने कहा याद कर तू, तूने क्या कहा कि आप बताइए, कि तूने ये कहा चीन के सम्राट से कहा कि आप तो पूनम के चांद के समान है, मेरा सम्राट तो दूध के समान, दूध के चांद के समान, कितनी हल्की बात की। दूत बोला महाराज आप मेरे आशय को समझें, ये कुछ लोगों ने आपको बता दिया, मैंने कोई हल्की बात नहीं की, मैंने रहस्यपूर्ण बात कही थी। तो रहस्य क्या है इसमें, रहस्य यह है कि पूनम का चांद अस्त होने को है, एकम आई और एक कला कम हो जाएगी, और दूज का चांद तो वर्धमान होता है कि उत्तरोत्तर कलाएं बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी कला तो बढ़ेगी, उसकी घटती जा रही है। इतने में खुश हो गया सम्राट। हम जीवन के रहस्य को समझने का प्रयत्न करें, जीवन का रहस्य क्या है उसे हमें समझना है, कि हमारा जीवन वर्धमान रहे, कलाएं वर्धमान रहे, घटती न जाए, और वह अहिंसा के द्वारा संभव है। इसलिए आप अहिंसा को खूब गहराई से समझने का प्रयत्न करें, और मैं तो मानता हूँ वह व्यक्ति प्रयत्न करता है जो सबसे पहले अपने जीवन को बदल लेता है, अपनी चेतना का रूपांतरण कर लेता है, अपने आवेशों को शांत करता है, अपने इमोशन पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है। बस इतना हो जाए तो फिर धर्म धर्म की बात तो ठीक है, अपनी अपनी रुचि, अपनी मान्यता, कोई कैसे उपासना करता है, कोई कैसे ही करता है, उसमें हमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें तो जाना है जो एक मानवता के लिए मूल आधारभूत बात है और कॉमन है, सबके लिए समान है, उस बात पर हम विचार करें, चिंतन करें। हर मानव अच्छा बन गया फिर आप स्वतंत्रता दें कि वह क्या करता है क्या नहीं, इसकी आप चिंता न करें। सबसे बड़ी चिंता है मानव का निर्माण। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।